हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है, उसके लिए मुझे एक नया कैमरा ख़रीदना था, तो मैंने एक नया कैमरा परचेज़ किया है। तो आज हम उस कैमरे की अनबॉक्सिंग करेंगे। पहले भी बहुत सारे कैमरे यूज़ किए हैं, जैसे 1100 और 200D Mark II कैमरा भी यूज़ किया है। अभी मैंने जो परचेज़ किया है वो 90D कैनन का कैमरा है। इसकी हम अनबॉक्सिंग करते हैं, आइए दिखाते हैं। ये रहा हमारा 90D कैमरा, जिसमें हमें ये 90D कैनन का कैमरा है, इसमें 2 ईयर्स की हमें वारंटी मिल रही है। इसके साथ मैंने परचेज़ किया है 18-135 का लेंस लिया है मैंने, और इसमें मिल रहा है 16 GB अपना मेमोरी कार्ड मिल रहा है, और साथ में इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो मैं आपको बताती हूँ। जिसमें इसमें आपका जो कैमरा लेंस है, जिसमें 32.5 मेगापिक्सल कैमरा है, और इसमें ISO जो है वो वीडियोग्राफी जो करता है वो 12800 करेगा, एंड फोटोग्राफी जो है वो 25600 का रहेगा, और 4K सपोर्ट करता है ये, एंड डुअल पिक्सल कैमरा भी है। अब हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग। इसमें हमें मिला है एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिला है, जिसमें हम मतलब क्या बोलते हैं, अगर कोई पहली बार ये परचेस कर रहा हो कैमरा, तो वो इंस्ट्रक्शन पढ़ के अपनी सारी चीज़ें हाउ टू यूज़ इट वो पढ़ सकता है और उसके हिसाब से यूज़ कर सकता है। जिसके साथ मिला है हमें एक चार्जर में है अपना ये, इसमें एक अच्छा सा सिंबल है, जैसे हम बैटरी अगर हम चार्ज करेंगे तो हम इसमें चार्ज करेंगे तो उसमें अगर एक लाइट जल रही है तो 0% बैटरी है, जब 2 लाइट जलेगी तो 50% बैटरी है, एंड 3 लाइट जलेगी तो 75% बैटरी है, और सिंगल 1 लाइट जलेगी तो 100% बैटरी रहेगी। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग विद अ सिंबल। और इसके साथ हमें मिली है ये बैटरी, ये एक स्टैंडर्ड बैटरी है, जिसे हम ये इट्स अ कैनन बैटरी, सो ये इसे हम इसमें डाल के चार्ज कर सकते हैं। और इसके साथ हमें मिला है एक बेल्ट, जो हम इस कैमरे में होल्ड करने के लिए हम इसे यूज़ करेंगे, और इसके साथ ये चार्जिंग पिन है जो हम इसको इसके साथ कनेक्ट करके चार्ज करेंगे, ठीक है। और इसके साथ हमें मिलता है वारंटी कार्ड, जिसको हम फिल करके, ये अपना एक कैनन इमेज एकेडमी का है, जिसमें हम फिल करके हम ऑनलाइन भी इसे डाल के हमारा वारंटी हम मतलब गेन कर सकते हैं। और अब आया ये लेंस, ये है 18-135 लेंस, जो इस तरीके से दिखता है। इसको मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कैनन का एक पहले कैमराज हैं जिसमें लेंसेज हैं। इससे पहले वाला जो लेंस है वो 55-250 लेंस है, और इसलिए फिर मैंने 18-135 लेंस लिया। ये रही हमारी कैनन कैमरा बॉडी। ये कैमरा है 90D कैमरा, इसमें बहुत ही लाइट वेट है, इसका ग्रिप बहुत स्ट्रॉन्ग है जो हम होल्ड कर सकते हैं, और ये जो बेल्ट है हम इसके ये शोल्डर होल्डर्स दिए हुए हैं, जो हम बेल्ट इसको कनेक्ट करके हम कहीं पे भी कैरी करके जा सकते हैं। और इसके साथ ये बटन्स हैं, जिसमें हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो हमारा कोई भी फ़ोटोज़ खिंच जाएंगे। इसमें आपकी ये स्क्रीन है, जो हम ये 360 डिग्री मोल्ड हो जाती है, और इसमें हम अकेले भी शूट कर सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है। इसमें हमारा ये एक तो हमारा इसमें जो बटन्स हैं वो एक ये स्टार्ट स्टॉप बटन है, जिसमें हम कैमरा और वीडियो की ओर शिफ्ट कर सकते हैं। और इसके बाद हमारा ये डायल दिया गया है सेट के बटन्स के साथ, तो हम इसको सेट कर सकते हैं पूरा। और इसके साथ एक लॉक बटन दिया गया है कि हमको कोई भी सिस्टम लॉक करना हो तो हम सारे सिस्टम्स लॉक हो जाएंगे,
इट्स अ लॉक बटन ऑल्सो। इसके साथ हमारे इसमें भी हम कोई भी फोटोज या वीडियोस हम करें तो हम इसको प्ले करके हम देख सकते हैं और इसे डिलीट भी कर सकते हैं जो हमें नहीं देखना हो, जो अच्छा नहीं आया हो। तो इसके साथ हमारा ये नेविगेशन बटन है जिसको हम सेट करके हम कर सकते हैं, तो इट्स अ गुड फीचर। एंड इसके बाद हमारा अगर हमको मैनुअल मोड पे हमें खींचना है तो ये हम इसको शट ऑफ बटन है जिसको हम सेट करके और ये मैनुअल बटन मैनुअल में कोई भी मोड पे हम कर सकते हैं, इसको सेट करके अगर हमें खींचना हो तो हम खींच सकते हैं। और इसके साथ हमें ये इस साइड अगर हम देखें तो इसके साथ हमें एक ब्लूटूथ बटन कनेक्ट करने का है और एक इसमें माइक कनेक्ट करने के लिए फैसिलिटी है। और इसके साथ हमें HDMI केबल हमें कर सकते हैं और USB मोड भी हमारे पास है जो हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड फीचर। तो ये बहुत ही अच्छा कैमरा है। अब इसके रिव्यूज़ मैं आपको बाद में बताऊँगी जब मैं इसे यूज़ करूँगी। तो ये हो गई हमारी कैनन 90D की अनबॉक्सिंग और ये बहुत ही अच्छा कैमरा है। अगर कोई व्लॉगिंग करता है तो इसके लिए तो बेस्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।